सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स पार्ट फर्स्ट। महत्वपूर्ण सब्जियों का आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन भाग वन। तो इसमें वेजिटेबल्स पार्ट वन या सब्जियां भाग वन, इसके अंदर हम लोग टोटल 7 वेजिटेबल्स या 7 सब्जियां जो हैं वो करेंगे और इनका फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन या आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनका सीड प्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। आलू यानी पोटैटो, प्याज यानी अनियन, टमाटर यानी टोमेटो, बैंगन यानी ब्रिंजल, मिर्च यानी चिल्लीज, भिंडी यानी ओकरा एंड फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर। तो सबसे पहले आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन या फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से इसमें किया जाएगा इन फसलों के अंदर। तो लेक्चर 4 के अंदर हमने आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की सामान्य विधि को प्रदर्शित किया था या जनरल प्रोसीजर जो है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन का, उसको हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्क्राइब किया था। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं या सभी जो सब्जियां हैं उनके लिए सभी जो स्टेप्स हैं या चरण हैं वो समान रहते हैं या सेम रहते हैं, परंतु कुछ स्टेप्स या चरण ऐसे हैं जिनमें चेंज या परिवर्तन होता है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स में परिवर्तन है या चेंज है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला है पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो किस तरह से परिवर्तित होती है। तो ये डिपेंड करती है पर परागण के प्रतिशत पर कि कितने परसेंट क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इस आधार पर फिर सब्जियों या वेजिटेबल्स के अंदर जो आइसोलेशन डिस्टेंस है या पृथक्करण दूरी है वो चेंज होती हो सकती है या परिवर्तित हो सकती है। तो इस टेबल के अंदर या सारणी के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो आलू या पोटैटो की बात करें तो इसमें ये एक स्व परागित या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन दोनों के लिए ही पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस 5 मीटर रखी जाती है। अनियन की बात करें तो ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस बढ़ जाती है 1000 मीटर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 500 मीटर जो है वो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए रखी जाती है। टमाटर की बात करें तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी 50 मीटर रखी जाती है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 25 मीटर रखी जाती है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। बैंगन या ब्रिंजल की बात करें तो ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी 200 मीटर रखी जाती है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 100 मीटर रखी जाती है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। मिर्च या चिल्लीज की बात करें तो ये भी एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें 400 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 200 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। भिंडी या ओकरा की बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें 400 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 200 मीटर का आइसोलेशन इसमें रखा जाता है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। फूलगोभी या कॉलीफ्लावर की बात करें तो ये एक एक्सट्रीमली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, परपरागित फसल है, तो इसमें भी पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 1600 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर का जो आइसोलेशन है वो रखा जाता है। उसके बाद दूसरा है बुआई या सोइंग, तो ये डिपेंड करता है क्रॉप के टाइप के ऊपर या फसल के प्रकार के ऊपर कि फसल जो है वो रबी है या फिर खरीफ है। तो सब्जियों में फसल के प्रकार के अनुसार या वेजिटेबल्स में टाइप ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग जो बुआई का समय है यानी सोइंग टाइम है एंड सीड रेट या बीज दर जो है प्रति हेक्टेयर हमने जो रखनी है वो परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। तो किस प्रकार से परिवर्तित होती है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आलू या पोटैटो की बात करें तो इसमें बुआई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है, बीज दर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो इसमें हम लोग आलू या जो ट्यूबर होता है उसके पीसेस को यूज़ करते हैं, उनके टुकड़ों को यूज़ करते हैं, तो इसमें ट्यूबर्स जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यूज़ किया जाता है और उस पोटैटो के अंदर जो आईज होती हैं जिनको आँखें बोल देते हैं उनको सोयल के अंदर बोया जाता है या उसकी सोइंग की जाती है। उसके बाद प्याज या अनियन की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी सोइंग या बुआई करते हैं और 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। टमाटर या टोमेटो की बात करें तो सितंबर अक्टूबर के महीने में इसकी सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं और 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है वो इसमें रखते हैं। ब्रिंजल या बैंगन की बात करें तो जून जुलाई के महीने में इसकी बुआई होती है और 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। मिर्च या चिल्लीज की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर या पूरे वर्ष इसकी जो बुआई है वो कभी भी की जा सकती है और इसमें बीज दर हम रखते हैं 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर।
भिंडी या ओकरा की बात करें तो इसकी बुआई की जाती है फरवरी या फरवरी के मंथ में, और इसमें बीज दर जो है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो रखी जाती है। फूल गोभी या कॉलीफ्लावर की बात करें तो अगस्त सितंबर के महीने में इसकी सोइंग या बुआई की जाती है, और 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज है दर वो रखी जाती है इसके अंदर सीड रेट। उसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर्स या उर्वरक की। तो अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं या सब्जियां हैं उनकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है या उर्वरकों की जो आवश्यकता है वो भिन्न हो सकती है, तो उसके लिए अलग अलग डोज जो है वो रिक्वायर्ड हो सकती है। जैसे आलू या पोटैटो की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन जो है वो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। फॉस्फोरस जो है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश जो है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है। तो आलू की फसल को ज़्यादा मात्रा में हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जो है वो देने पड़ते हैं। उसके बाद प्याज या अनियन की बात करें तो इसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश जो है वो देनी पड़ती है। टमाटर की बात करें तो इसमें प्रति हेक्टेयर हमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटाश जो है वो देनी पड़ती है। बैंगन या ब्रिंजल की बात करें तो इसमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश जो है वो देनी पड़ती है। मिर्च या चिल्लीस की बात करें तो उसमें प्रति हेक्टेयर जो रिक्वायरमेंट है वो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटाश देनी पड़ती है। भिंडी या ओकरा की बात करें तो उसमें प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम ही पोटाश जो है वो देनी पड़ती है। फूलगोभी या कॉलीफ्लावर की बात करें तो इसमें प्रति हेक्टेयर जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ती है, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश जो है वो डालनी पड़ती है। अब नाइट्रोजन जो है उसकी सप्लाई दो बार की जाती है, जबकि फॉस्फोरस एंड पोटाश जो है उसकी सप्लाई केवल एक बार ही की जाती है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फॉस्फोरस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा को कब डाला जाता है? सोइंग के टाइम पर या बुआई के समय ही खेत में डाल दिया जाता है। अब बची कौन सी? नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच गई, तो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है शेष उसको फ्लावरिंग के टाइम पर या पुष्पन के समय फसल को हम लोग सप्लाई करते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद सिंचाई या इरिगेशन की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं या विभिन्न जो सब्जियां हैं उनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट या सिंचाई की जो आवश्यकता है वो परिवर्तित हो सकती है। कैसे? अगर जैसे मान लीजिए अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग हो सकती है, जैसे आलू या पोटैटो की बात करें तो इसमें 5 से 10 सिंचाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं इसके कंप्लीट मैचुरेशन पीरियड में या परिपक्वन काल में। प्याज या अनियन की बात करें तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है या जब भी आवश्यकता होती है तभी हमें सिंचाई करनी पड़ती है। टमाटर या टोमेटो की बात करें और ब्रिंजल की बात करें तो इन दोनों में ही प्रति सप्ताह या प्रत्येक सप्ताह या वीकली जो है वो हमें इरिगेशन देनी पड़ती है। मिर्च की बात करें तो जब आवश्यक हो व्हेन रिक्वायर्ड तभी हमें सिंचाई देनी पड़ती है। ओकरा एंड कॉलीफ्लावर की बात करें तो प्रति सप्ताह या वीकली जो है वो हमें इरिगेशन सिंचाई देनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पादप सुरक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन की। तो इसको तीन पार्ट्स के अंदर या तीन भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहला है खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल, दूसरा है रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल और तीसरा है कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल। तो अलग अलग फसलों के अंदर इनका जो कंट्रोल है या नियंत्रण है वो अलग अलग रहता है। किस प्रकार से है हम लोग देखेंगे क्या करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल जो है। आलू या पोटैटो की बात करें तो इसमें जो खरपतवार नाशी या वीडिसाइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें होइंग एंड वीडिंग यानी निराई गुड़ाई की जाती है। इसके अलावा हम लोग वीडिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, सिमेजिन जो है ये 2 किलोग्राम डोज जो है इसकी ली जाती है प्रति हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा प्याज, अनियन, टमाटर, टोमेटो, बैंगन, ब्रिंजल, इन तीनों क्रॉप्स के अंदर निराई गुड़ाई यानी होइंग एंड वीडिंग जो है वो की जाती है वीड्स के कंट्रोल के लिए। कोई भी वीडिसाइड जो है वो यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद मिर्च, चिल्लीस, भिंडी, ओकरा, फूलगोभी, कॉलीफ्लावर, इन तीनों क्रॉप्स के अंदर भी निराई गुड़ाई यानी होइंग एंड वीडिंग जो है वो यूज़ की जाती है वीड्स के कंट्रोल के लिए। कोई भी वीडिसाइड जो है वो यूज़ यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग अलग टाइप की डिजीज हो सकती हैं जिनका कंट्रोल भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आलू या पोटैटो की बात करें तो पोटैटो और अनियन इन दोनों के अंदर यानी आलू एंड प्याज दोनों के अंदर सेम टाइप की डिजीज़ होती हैं और इसका कंट्रोल भी सेम होता है। तो इन दोनों क्रॉप्स के अंदर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो है इनका प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तो इनके नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स एंड डाइथेन M45 जो है इनका छिड़काव जो है वो किया जा सकता है।
टमाटर की बात करें तो इसमें अर्ली ब्लाइट के कंट्रोल के लिए जिनेब का छिड़काव किया जाता है, लेट ब्लाइट के कंट्रोल के लिए मिनेब का छिड़काव किया जाता है, डैम्पिंग ऑफ के कंट्रोल के लिए सीड ट्रीटमेंट जो है उसका यूज़ किया जाता है, बीज का उपचार करते हैं हम लोग, वायरस अफेक्टेड प्लांट्स जो हैं उनको रोग आउट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब फील्ड से निकाल देते हैं उनको, और वीक एंड येलो प्लांट्स जो होते हैं अगर दिखाई देते हैं तो 1% यूरिया जो है उसका स्प्रे जो है वो लीव्स के ऊपर या पत्तियों के ऊपर किया जाता है। उसके बाद बैंगन या ब्रिंजल की बात करें तो इसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है उसके नियंत्रण के लिए फाइटोलॉन और एग्रोसन जीएन जो है इसका स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। फ्रूट रॉट जो है इसके नियंत्रण के लिए ब्रिंजल में हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जा सकता है बीजों का, इसके अलावा कैप्टान और मिनेब जो है उसका स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। लिटल लीफ ये एक रोग होता है ब्रिंजल के अंदर, इसके नियंत्रण के लिए क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र जो है उसको सही तरीके से अपनाया जाता है। विल्ट के नियंत्रण के लिए हम लोग इरेडिकेशन करते हैं, यानी जो जिस जिन पौधों के अंदर विल्ट के लक्षण दिखाई देते हैं उन पौधों को चुनकर या सिलेक्ट करके और फिर उनको फील्ड से बाहर ले जाकर और उनको या तो जला दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है, इसको इरेडिकेशन बोल देते हैं। मिर्च या चिल्लीज की बात करें तो इसमें कुछ रोग जो हैं वो फैलते हैं, जैसे डाईबैक नाम का एक रोग फैलता है जिसके नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 जो है वो यूज़ किया जाता है। फ्रूट स्पॉट जो है इसके नियंत्रण के लिए एग्रोसन जीएन और स्टेप्टोमाइसिन जो है इसका स्प्रे किया जा सकता है। वायरस की बात करें तो इंसेक्ट कंट्रोल अगर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो वायरसेस के वेक्टर होते हैं, तो वेक्टर यानी इंसेक्ट को कंट्रोल अगर हम लोग कर लेते हैं तो वायरस का नियंत्रण हो जाता है चिलीज में। भिंडी या ओकरा की बात करें तो उसमें मोज़ेक का प्रकोप जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो मोज़ेक क्या है भी एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके नियंत्रण के लिए हमें इसके वेक्टर यानी इंसेक्ट्स का कंट्रोल या नियंत्रण करना होगा। फूलगोभी या कॉलीफ्लावर की बात करें तो इसमें फंगल यानी कवक के द्वारा रोग जो है वो फैलाए जा सकते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग फंजीसाइड इज अवॉइडेड आफ्टर फ्लावरिंग, पुष्पन से पहले पहले अगर रोग फैलता है तो उसके नियंत्रण के लिए हम लोग फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर पुष्पन के बाद ये रोग दिखाई देता है फंगस का तो फंजीसाइड का जो उपयोग है वो पुष्पन के बाद नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुष्पन के बाद जो पॉलिनेशन के लिए या परागण के लिए जो कीट वगैरह आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फंजीसाइड्स हार्मफुल होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिससे पॉलिनेशन परसेंटेज कम रह सकता है, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन सीड का वो भी कम हो जाएगा, तो ये एक रीज़न रहता है इसके अंदर। उसके बाद कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट में। तो आलू या पोटैटो की बात करें तो इसमें सीड बॉर्न इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग हेप्टाक्लोर डस्ट जो है उसका यूज़ कर सकते हैं या थेमेट का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। अनियन या प्याज की बात करें तो इसमें थ्रिप्स का जो अफेक्ट है वो काफ़ी रहता है, तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए BHC डस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर थायोडान का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मैगट्स का जो काफ़ी प्रकोप रहता है अनियन में, इनके नियंत्रण के लिए एल्ड्रिन का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। टोमेटो या टमाटर की बात करें तो इसमें फ्रूट बोरर का प्रकोप रहता है, इसके नियंत्रण के लिए सेविन का स्प्रे कर सकते हैं। बैंगन या ब्रिंजल की बात करें तो उसमें कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट बोरर जो है इसके नियंत्रण के लिए थायोडान का स्प्रे किया जाता है। स्टेम बोरर की बात करें तो इसके लिए सेवन का स्प्रे कर सकते हैं और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स का स्प्रे जो है वो किया जाता है। मिर्च या चिल्लीज की बात करें तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट्स जो हैं उनका प्रकोप काफ़ी कम रहता है या बिल्कुल नहीं रहता है, तो इनके नियंत्रण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। उसके बाद भिंडी या ओकरा की बात करें तो इसमें फ्रूट बोरर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग मेटासिस्टॉक्स का स्प्रे कर सकते हैं। कटवर्म्स जो हैं वो भी काफ़ी रहते हैं ओकरा के अंदर भिंडी में, तो इसके नियंत्रण के लिए एल्ड्रिन डस्ट जो है उसका स्प्रे किया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है। रेड कॉटन बग जो है वो भी काफ़ी प्रभाव दर्शाता है और नुवान का जो स्प्रे है वो इसके लिए किया जा सकता है इसके नियंत्रण के लिए। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर की बात करें तो इंसेक्ट्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं कॉलीफ्लावर को, तो इसके नियंत्रण के लिए फ्लावरिंग से पहले पहले यानी पुष्पन से पहले पहले हम लोग कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, लेकिन जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे को अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो परागण कीटों को भी यानी पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन जो है या उत्पादन जो है वो हमारा कम हो सकता है, ठीक है, तो इसके बचाव के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप BSc एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010।
जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग टू थाउजेंड टेन और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।